का ये मामला दोस्तों पुलिस थाना गढ़रा रोड का है और इस महिला ने बाड़मेर पुलिस थाना महिला में मामला दर्ज करवाया है। अपनी गढ़रा रोड से आई हूँ और मेरे शादी हुए के 12 साल हुए और मेरे पति मतलब मेरे को दवाई के बहाने जयपुर लेके गए थे और वहाँ जाके थोड़ी बहुत दवाई कराई और उसके बाद में मेरे को जेठ के साथ गलत काम कराना चालू कर दिया उसने। तो मेरे साथ 4-5 साल उसने गलत काम किए और उसके बाद में उसके 2 बच्चे हो गए मेरे जेठ के। तो 2 बच्चे होने के बाद मैंने उसको मतलब मेरे साथ गलत काम करने के लिए मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे पति मेरे को मारपीट करने लग गया। मारपीट करते करते मैंने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। मेरे को मारपीट करते तो मामला दर्ज करने के बाद में उनकी जांच हुई। जांच होने के बाद में मतलब उनसे कुछ जो न्याय मिलना था वो मिल गया मेरे को और उसके बाद में उनका राजीनामा हो गया। और उसके बाद में मतलब मैं घर गई तो मेरे के जेठ के परिवार ने और जेठ के कोई रिश्तेदार दूर के उन लोगों ने मेरे को मारपीट की इनके घर पे। मारपीट करने के बाद मैंने घर से निकाल दिया मेरे घर पे उसी दोनों के से निकाल दिया। मैं मायके आ गई बच्चों के साथ और उसके बाद में मैंने मामला दर्ज कराया। तो मामला दर्ज कराने के बाद में मतलब उनकी कोई जाँच हो ही नहीं रही। 2 महीने हो गए मेरे को मामला दर्ज। जेठ का क्या किन किन ने आपके साथ मारपीट की, क्या नाम है उनका? नाम मतलब मेरे जेठ का नाम हेमाराम है, उनके दोनों बच्चों का नाम कैलाश और लजपत है और उनके रिश्तेदार का नाम है चवाई। आपने मामला किनके खिलाफ दर्ज किया? चवाई के, हेमाराम के और कैलाश के और लजपत के। किस थाने में? महिला थाने में, बाड़मेर में। तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज यहाँ किससे मिलने के लिए आई हूँ? मैं SP साहब से मिलने आई हूँ, उनसे न्याय मांगने आई हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या बात क्या हुई? और उनका राजीनामा भी हो गया। और मैं जेठ है, जेठ के रिश्तेदार हैं और उनके 2 पुत्र, उनके खिलाफ नहीं हो रही है। ये महिला भाड़खा की कमला देवी है। इनका कोई 217 नंबर मुकदमा पहले महिला थाने में दर्ज हुआ हुआ है, जिसकी तफ्तीश है वो संबंधित हमारे महिला सचिव है वो कर रही है और 1-2 दिन में जैसे वो तफ्तीश वो कंप्लीट हो जाएगी। इन्होंने 498 दहेज का ऐसा कोई घर वालों के खिलाफ ऐसा करवा रखा है, तो उसकी जांच है वो चल रही है। क्या सब देखा जा रहा है कि आमतौर आप जो कह रहे हो वो मामला ऐसा नहीं, इसमें परिवार अपने पति जेठ उनके खिलाफ ही कोई इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और क्योंकि महिला से संबंधित है तो महिला सच उसमें जांच कर रही है। जो भी मामला दर्ज 12 साल तक लगा था। नहीं, पुलिस इसमें बिल्कुल संवेदनशील है, ऐसा कोई विषय नहीं है। क्योंकि मामला है तो इसमें जाँच हो जाएगी, कल परसों तक जो भी इसमें कर देंगे।